बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज योम आशूरा है तो हम नियाज में खतबा बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हलवे के लिए हमने 2.5 किलो सूजी, 2.5 किलो चीनी, 1/2 किलो मलाई, 2 किलो घी, हसब ज़रूरत और तौफीक आप इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। चलिए अल्लाह का नाम लेकर इसे शुरू करते हैं। घी डालना है पहले, घी थोड़ा गर्म होने पर हमने सूजी डाल ली है। इसे अब हम हल्की आंच पर भूनेंगे। ये 4 लीटर पानी हमने गर्म कर लिया है, जो कि भुनने भुनने के बाद हम डालेंगे। तकरीबन 1/2 घंटा तक हम इसे भूनेंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। हल्की हल्की खुशबू आ रही है, अभी मज़ीद हमें कोई 10 मिनट लगेंगे इसे भूनने में। बोला सूजी हमारी भून चुकी है, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। साथ ही थोड़ी देर के चीनी डालने के थोड़ी देर बाद ये पानी डाल दिया है। अब हमने आंच तेज कर दी है और पानी सूखने तक हम इसे पकाएंगे। इसमें मलाई डाल देंगे। हमने दूध में जर्दा रंग शामिल करके तो वो डाला है, अब इसका कलर अच्छा आ जाएगा। इससे
इसका क्या रंग था? माशाल्लाह हलवा न्याज का हमारा बहुत अच्छा तैयार हो गया है। अब हम उसमें ऊपर टिगरी और सामगी डाल देंगे। छानी ले लो, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हलवा बहुत ही प्यारा तैयार हो चुका है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह आपको सानिया दे और सानिया बांटने की तौफीक ता फरमाए।